हाथ को उठकर सबसे पहले दाढ़ी बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि ठीक ठाक बन जाती है, और खुद को धुलने के बाद जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। इतना जल्दी सब कुछ करते करते 7:47 हो जाता है और मुझे 8 बजे तक थिएटर पहुँचना होता है। और थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद मैं अपने दोस्त के घर पहुँच जाता हूँ। अंकल जी नीचे खड़े होते हैं तो चरण स्पर्श करता हूँ। अंकल जी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो हमें थिएटर से थोड़ी ही दूरी पर छोड़कर चले जाते हैं। थिएटर पहुंचकर मैं सीधे ग्रीन रूम में जाकर बैठ जाता हूं और इमोशनल हो जाता हूं। और आज हम लोग एक स्कूल के लिए शो करने जा रहे हैं, जो कि 12 बजे से शुरू हो जाएगा। और पता नहीं क्यों पूरी टीम में मेकअप करने के लिए सबसे पहले मुझे ही पकड़ा जाता है। और मेकअप होने के बाद पता चलता है कि मैम अपने घर से सभी के लिए सैंडविच बनाकर लाई है। फिर क्या, बाहर आकर सैंडविच खाता हूं। और सैंडविच खाने के बाद सभी लोग ग्रीन रूम में जाकर अपना अपना मेकअप कराते हैं और सभी के रेडी होते ही शो स्टार्ट हो जाता है। और इन चमेले की मुस्कुराहट तो देखो। और शो खत्म होने के बाद हम लोग ड्रेस चेंज करके बाहर आते हैं तो सभी जा चुके होते हैं। शो खत्म होने के बाद क्या होता है उसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा।